छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से तेंदुए को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने और सीपीआर देने की तस्वीरें सामने आई। दरअसल गरियाबंद में तेंदुए की जान बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है। नंदन वन से विशेष वन्य पशु चिकित्सा बुलाए गए, जो तेंदुए की उखड़ती सांस को वापस लाने के लिए पूरी जी जान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीती रात बंदर का शिकार करने के प्रयास में एक पेड़ पर चढ़े तेंदुए को साथ घुस रही बिजली के 11 kV तार से करंट लगा और वो नीचे गिरकर घंटे कीचड़ युक्त पानी में पड़ा रहा। सुबह जब लोगों ने देखा और वन विभाग को बुलाया, तब तक 3 में ही सांस उखड़ने के कगार पर थी। अंतिम सांस ले रहे तेंदुए की जान बचाने तत्काल नंदनवन से डॉक्टर वर्मा को बुलाया गया, जिन्होंने पहुंचते ही तेंदुए के हार्ट के ठीक से नहीं काम करने के चलते सीपीआर दिया। जब स्थिति नहीं सुधरी तो सीधे उसके हाथ में इंजेक्शन लगाया गया और आनंद फानन में पांडुका अस्पताल से मंगवा ठीक इंसान की तरह तेंदुए को ऑक्सीजन सिलेंडर भी चढ़ाया गया। हालांकि चिकित्सकों ने यह भी बताया है कि गिरने के चलते इसकी हड्डी टूट चुकी है, जिससे भविष्य में इसे जंगल में छोड़ना काफी मुश्किल है। ये तेंदुआ संभवतः कल एक किसी पेड़ से या बिजली के खंभे से नीचे गिरने की वजह से इसके कमर में चोट आई है। ये सारी रात जो है वहाँ गीले में पड़ा रहा, जिसकी वजह से इसका शरीर का जो तापमान है वो काफ़ी क्रिटिकल हो गया था। सुबह से ही हम लोग और हमारा जो फॉरेस्ट का यहाँ का विभाग का जो अमला है वो इस पर काम कर रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बीच में जरूर इसकी सांसें लगभग उखड़ गई थी, ये कोलैप्स हो गया था, लेकिन फिर तुरंत इसको CPR वगैरह दिया गया। यहाँ स्थानीय मदद से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह मंगाया और ऑक्सीजन लगाया है। अभी थोड़ी सी कंडीशन स्टेबल है, मे भी 1-8 घंटे के बाद में ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे इसके बारे में, तो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि बच जाएगा। गंभीर स्थिति में इसलिए था कि सारी रात यह जो है पानी में रह गया, कीचड़ में रह गया, जिसकी वजह से इसका पूरे शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा गिर गया था। जब हम लोग आए और जब अप्रोच किया इसको, तब इसके शरीर का तापमान 80 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट चला गया था, तो बहुत क्रिटिकल टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर से फिर इसको बाहर लाना, फिर चूंकि संभव है कि इसको इलेक्ट्रोक्यूशन भी हुआ है, शरीर में पानी की भी कमी थी, इंसानों जैसा नहीं, इसके सीधे हृदय में जो है वो दवाई पहुंचाई गई और CPR जो है हम लोग जो चेस्ट का कंप्रेशन किया इसका और मुंह से सांस इसको निकलने के लिए पैसेज बनाया, तो फिर वापस अभी इसकी सांसें ठीक है, आई रिफ्लेक्स भी आ गया है,